मॉर्निंग, राम राम, जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? मेगा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है तीसरा नवरात्रा और मैं नहा वाली हूँ, बस अब पूजा करेंगे। और मैंने पहन लिया सूट ये वाला और अब बस पूजा करेंगे। सुबह के बज रहे 8, तो लेट हो गए थोड़े। और सफाई वगैरह सब कर दी है। निक्कू गई है स्कूल, करण सो रहा है और टफी भी सो रहा है, निक्कू के बाबा ऊपर है। और मेरा काम सब हो चुका है, झाड़ू पोछा वोछा सब कर दिया, ऊपर का चाय नाश्ता कर दिया। अब मैं कर लेती हूँ आराम से पूजा, और पूजा करके आपको दिखाते हैं। पूजा कर लेती हूँ, देखो सफाई सारी कर दी है मैंने, क्लीन बिल्कुल अंदर से रह रहा है। करण का गद्दा उठेगा जब होगी सफाई। रसोई भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है ये मैंने। कल तो और मनी प्लांट के पेड़, मतलब पौधे लगाए हैं, अब देखते हैं कितने दिन में होंगे। वैसे हरे तो हो रहे हैं। ये मनी प्लांट भी मैंने यहाँ लगा दिए, वो क्रेसुला बोलते हैं, वो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, क्रेसुला। ये वाला पेड़ भी मैंने यहाँ पे लगाया है, अब देखते हैं ये होते हैं नहीं। वैसे हो जाते हैं मेरे हाथ से। अब चलो मैंने सफाई कर दी, और उधर करण सोरन लग रहा है, इधर टफी सोन लग रहा है। और मैं अब कर लेती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई और पूजा। गाइज पूजा मैंने कर दी है, पूजा सारी हो गई है फिनिश। अब कर लेते हैं नाश्ता, बना लेते हैं चाय मैं अपने लिए। करण तो अभी सोए रहा है, अपने लिए बनाऊंगी। करण देखो बाबा के लिए सुबह बना दी थी, उन्होंने कर लिया चाय नाश्ता, अभी ये सोया हुआ है। और पूजा मेरी देखो 10 बजे ख़त्म हुई है, क्योंकि पाठ वाठ करने होते हैं और आज मंगलवार भी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो 10 बज चुके हैं, पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मंगलवार भी है। मंगलवार को मुझे चालीसा वगैरह पढ़नी होती है, बजरंगबली का दिन होता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा पूजा करने में। तो अभी मैंने पूजा कर ली है, अब करेंगे चाय नाश्ता। और चलो बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। गर्म तो मैंने अभी दिखाया आपको, सो ही रहा है। और ऐसा है कुछ मेरे किचन का हाल, और मौसम सही सा हो रहा है। रात बारिश भी आई थी हल्की हल्की सी, तो थोड़ा सही मौसम हो गया, ठंडक सी हो गई है। हाँ, पानी भी ठंडा लगने लगा है। ठंड मैं सारे कमरों में घूम घूम के आपको दिखा रही हूँ, ऐसा सा है कुछ। और चलो बना लेती हूँ अपने लिए चाय। गाइस अब बज रहे हैं रात के 8, और मैंने पूजा कर दी थी यहाँ पे। और ये लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि मच्छर से आ जाते हैं फिर, इसलिए लाइट बंद कर देते हैं इसकी बरामदे की। तो पूजा मैंने कर दी थी, इधर सब्जी बना रही हूँ, दूध गर्म कर दिया। इधर बनाई आलू गोभी, इधर दूध गर्म हो गया, अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और बज गए 8, क्योंकि 8 बजे तक इसके बाबा रोटी खा लेते हैं। आज थोड़ी लेट हो गई क्योंकि महिपालपुर भी गई थी, महिपाल सब्जी वगैरह लेके आई थी, सब्जी वगैरह ख़त्म हो रखी थी। और इधर शाम की पूजा मैंने कर दी थी आके, पर यहाँ की लाइट में बंद कर देती हूँ क्योंकि मच्छर वगैरह आते हैं। दोनों जगह मैंने जोत वगैरह लगा दी है, और निक्कू वहाँ बैठी है, वो टीवी देख रही है। अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और मैंने प्रेस भी करी थी आज, बहुत सारे कपड़े पर थोड़े से और रह गए, उसके नीचे पड़े हैं, और वो करके फिर मैं प्रेस भी करूँगी। और इधर ये टीवी देख रही है। चलो मैं बना लेती हूँ रोटी क्योंकि इसके बाबा के खाने का टाइम हो गया। ये मेरा सूट आया सिल के, ये देखती हूँ मैं सुबह पहनूँगी। सदर से ही लेके आई थी मैं ये फैब्रिक, और ये अभी आया सिल के, तो देखते हैं सुबह पहनूंगी मैं इसको। अभी मैंने पहना है ये कुछ ये सूट, और इसके ऊपर वाइट चुन्नी चल रही है। आप सोच रहे होंगे वाइट पहनी है, तो इसके ऊपर वाइट ही चल रही है। और मैं कर लेती हूँ मंदिर साफ, बर्तन वर्तन धो लेती हूँ मंदिर के, उसके बाद करती हूँ पूजा, फिर मिलते हैं आपसे। और आज है चौथा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी माता का, तो आप सभी को चौथे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलते हैं, अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद। और कपड़े अभी हो चुके हैं, कुछ थोड़े रह रहे हैं, वो हो जाएंगे तो फिर उन्हें पानी में से निकाल दूँगी। और अभी फ़िलहाल कर लेती हूँ पहले पूजा, फिर नाश्ता करेंगे और फिर करेंगे काम के पोछा झाड़ू वगैरह सब हो चुके हैं। निक्कू गई है स्कूल, और करण अभी सो रहा है, और टफी ऊपर है, और निक्कू के बाबा भी ऊपर है। और मैंने सारा काम हम कर करो के सफाई करके अब कर दी पूजा की तैयारियाँ। चलो मिलते हैं आपको पूजा करने के बाद। ये हो
पूजा डन। यहाँ भी पूजा हो गई है, अब कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में चाय और इधर मैं सेकूँगी ब्रेड, चाय बन रही है और ब्रेड सेकूँगी, फिर नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद धोऊँगी कपड़े। बस आखिरी के बस पायदान डाले हैं, पायदान रह गए थे, बाकी धुल गए सारे। चलो मिलते हैं आपको उसके बाद। पानी आ गया था और मैंने कपड़े वगैरह सब धो दिए, कुछ कपड़े नीचे डाल दिए क्योंकि छत पे अभी मैं गई नहीं थी, कुछ यहाँ वाले पे डाल दिए। और अभी मैं और निकू जा रहे हैं ऊपर वाली छत पे, ऊपर वाली छत को साफ़ करके आएंगे क्योंकि सफ़ेदी हुई थी, उसके बाद ज़्यादा साफ़ नहीं करी। बर्तन वगैरह सब धो दिए, लंच भी सबका हो गया है, सबने लंच कर लिया है। निकू भी स्कूल से आ गई थी, बर्तन वगैरह सब धो दिए, अभी लगाऊंगी इनको। अरे निकू ये आ गई स्कूल से, इसे मैं लेके जा रही हूँ ऊपर छत पे खाना वाना खा के। और टफी महाराज जी सो रहे हैं और हमारी माता रानी भी आराम कर रही है। और बस करण गया हुआ है अपने प्लॉट में पानी भरने के लिए क्योंकि पानी आ रहा है। और पानी हम इसलिए पानी पानी बोलते हैं क्योंकि हमारा पानी आता है 2 दिन बाद। और चलो चलते हैं ऊपर छत पे, दिखाते हैं आपको अपनी छत और साफ़ सफाई करके आते हैं ऊपर। तो गाइज ये है हमारी छत, अभी गमले इधर उधर हो रहे हैं सारे। और ये देखो हमारी छत पर ना पीपल उग रहा है। गाइज आप कमेंट करके बताना, कमेंट करके कि मैं क्या करूँ इनका। 3 उग रहे हैं, 1 2 3, एक वो कॉलोनी में। तो अभी ये गमले वगैरह हम लगाएंगे ढंग से। और तुलसी माता तो यहाँ कई में हो रही है, तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, और वहाँ पे भी है, और वहाँ पे भी, और नीचे भी है। तो ये है हाल कुछ छत का। ये अब गमले लगा देते हैं हम ढंग से। और ये कूड़ा वो इकट्ठा कर रखा है, कूड़े बोले थे। और ये पेड़ हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। और चलो अब उधर बाथरूम भी साफ़ करना है आज क्योंकि सफ़ेदी हुई जब से साफ़ ही नहीं करा। चलो कर लेते हैं सफाई, फिर दिखाते हैं आपको कैसे करा साफ। देखो हम यहाँ पे साफ़ करने लग रही है बाथरूम, और उधर से भी हो गया कूड़ा वगैरह, वहाँ पे जो कोने में था वो भी भर दिया है। और हमारे पीछे की साइड देखो ऐसी पतली सी गली है, ये पेड़ अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा भर गया। उनको भी सही से लगाएंगे अभी पूरा लाइन से, धूप भी आ रही है। और मम्मी पेड़ को ठीक कर रही हैं मिट्टी वगैरह निकाल के, और ये टूटा पेड़ थे साइड में हटा दिया, और एक तुलसी वहाँ पे रख दी है देखो दोनों साइड गेट के। इस देखो कर दिया है, ये गद्दे का कवर भी धोया था, तुलसी अब दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, मिट्टी डाल दी इनमें। और सारे गमले ढंग से कर दिए हैं, लाइन वारी से लगा दिए अच्छी तरह करके, घास वास जो उगरी थी सब हटा दी, और पूरी छत साफ़ कर दी बिल्कुल क्लीन, धो के बिल्कुल खींच दिया पानी सब। और देखो बिल्कुल क्लीन हो रही है। और इधर बाथरूम भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों बिल्कुल साफ़ हो गए। थोड़ा थोड़ा सफ़ेद हो रहा है, ये फर्श ख़राब हो रहा है इसलिए। तो चलो अब चलते हैं नीचे। और गाइज आप ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं पीपल के पेड़ कैसे हटाऊं, क्योंकि 3-4 उग गए हैं, ये 5 उग रहे हैं, पूरे 5 उग गए हैं ये। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये मैं कैसे हटाऊँ और क्या करूँ मैं इनका। और ये बाकी तो मैंने कर दिए सारे सही। तो गाइज चलते हैं अब नीचे, अब नीचे का देखते हैं, नीचे का तो सारा काम। जब चलते नीचे, ये कपड़े तो मैंने नीचे ही सुखा दिए थे सारे। टफी देखो वहाँ कोने में बैठा है, यहाँ भी सब क्लीन है, साफ़ कर रखा सब, और सूख जाएंगे कपड़े यहीं पे। ये मेरा अपराजिता का पेड़ है पौधा अपराजिता का, देखो इसमें फूल भी आ रहे हैं। और ये कपड़े सूख रहे हैं, सूख जाएंगे फिर दिखाएंगे आप। चलो अब मैं नीचे चलती हूँ, ये इधर बैठा टफी, इधर इसके बाबा ने खाना खाया था तो प्लेट यहीं पे रख रखी है, इसे भी ले लेती हूँ, इसे भी ले चलती हूँ नीचे। और ये कमरे तो आपको दिखाए नहीं, ये देखो यहाँ पे भी सफ़ेदी के पेंट वगैरह के डब्बे रखे हैं। अभी इन्हें भी समझाऊँगी, अभी देखते हो, अभी धीरे धीरे एक एक करके कर रही हूँ क्योंकि एक साथ तो मैं अभी मुझे भी थकावट हो जाती है। ये इसमें मिट्टी लेके आए थे पेड़ों के लिए, ये पेड़ है
के बाबा उस कमरे में सो रहे हैं और इस कमरे में तो स्टोर रूम बना रखा है हमने। स्टोर रूम में सारा फालतू का सामान रखा है और नीचे से कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऊपर से देखो तो ऐसा दिखता है नीचे। निकू चली गई नीचे, अब मैं थोड़ा इसका दरवाज़ा लगा देती हूँ और पायदान रखे वो सुखा दूँ, फिर मिलते हैं आपसे। चलो अब चलते हैं नीचे, अब नीचे थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को एक बार जाऊंगी देख के आऊंगी सूट वगैरह। आते हैं तो पसंद करवा चौथ के लिए। सूट अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, साड़ी तो मैं लाऊंगी नहीं, सूट ही लाऊंगी और देखते हैं जाऊंगी। अब थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं और निक्कू जाएंगे, निकलेंगे फिर लेने के लिए। नीचे से तो सब साफ़ सुथरा है, ये सारा मैंने सुबह ही कर दिया था, बस ये बर्तन रखे हैं, ये लगाने हैं बैग में, बाकी सब। तो गाइज ये मैंने दो दिन का ब्लॉग एक साथ करके डाला क्योंकि ऐसा कुछ खास था नहीं बनाने में, बस पूजा वगैरह का मैंने डाला है। नवरात्रे चल रहे हैं और अभी तो मैं ऐसे ही ब्लॉग बन पा रहे क्योंकि घर घर में इतना कुछ कुछ बनाने के लिए होता नहीं है। तो आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग को पसंद करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राम राम, जय गुरु जी, जय माता दी।